दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम IIT JEE 2016 में जो मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से है। तो देखिए, क्वेश्चन का जो स्क्रीनशॉट है वो आपको थंबनेल पे दिख गया होगा। अब देखिए, एक बार मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। क्वेश्चन में क्या है, इन फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट विद सोडियम जिसका हमें वर्क फंक्शन 2.3 इलेक्ट्रोवोल्ट दिया गया एंड द टंगस्टन वर्क फंक्शन 4.5 इलेक्ट्रोवोल्ट। मेटल्स वर एल्यूमिनेटेड बाई एन अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ 7 वेवलेंथ। इफ़ द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द टंगस्टन इज मेजर टू बी 1.8 इलेक्ट्रोवोल्ट, द वैल्यू ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द सोडियम विल बी इन वोल्ट। देखिए क्या दे रखा है हमें, जो गिवन डाटा है वो क्या है, हमें वर्क फंक्शन दिया हुआ है, डब्लू नोट दिया हुआ है, किसका है ये दिया है हमें सोडियम का। सोडियम को हम एस से मान लीजिए, हमें एस से डिनोट किया, ये वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम, ये है हमारे पास 2.3 इलेक्ट्रोवोल्ट। उसके बाद हमें वर्क फंक्शन टंगस्टन का दिया हुआ है 4.5 इलेक्ट्रोवोल्ट। आगे क्या कह रहा है, मेटल्स आर एलिमिनेटेड बाय द एन अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ सेम वेवलेंथ, लेमडा हमारी सेम है। इफ़ द स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नोट, ये हमारे पास ये दिया हुआ है हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल टंगस्टन का 1.8 वोल्ट। तो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल सोडियम का बताना है। देखिए जी कैसे करेंगे हम, अब देखिए सॉल्यूशन क्या होगा। हम जानते हैं हमारी जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू h c / h ν माइनस डब्लू नोट, यहाँ पर डब्लू नोट वर्क फंक्शन अब देखिए, ये भी लेमडा सेम है, इसका अर्थ क्या हुआ, स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू h ν माइनस डब्लू नोट, और हम यहाँ से लिख सकते हैं ई वी नोट h c / λ माइनस डब्लू नोट। लेमडा सेम है, h सेम है, c सेम है, तो h c / λ इक्वल्स टू क्या हो गया, ई वी नोट प्लस वर्क फंक्शन, इसकी वैल्यू क्या होती है। अब देखिए, यदि हम इसकी वैल्यू निकाल लें, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ई वी नोट, ये भी इलेक्ट्रोवोल्ट में और ये भी इलेक्ट्रोवोल्ट में, ये हम काम कर रहे हैं टंगस्टन के लिए, फॉर टंगस्टन। तो ये कितना होगा, टंगस्टन के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, 4.5 इलेक्ट्रोवोल्ट प्लस जो वर्क फंक्शन है टंगस्टन के लिए वो देखिए कितना है, ये तो वर्क फंक्शन नहीं, स्टॉपिंग पोटेंशियल है टंगस्टन के लिए 1.8 वोल्ट, ये इलेक्ट्रोवोल्ट बाहर रख लिया, प्लस वर्क फंक्शन है 4.5, तो आएगा 6.3 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये आ गया h c / λ की वैल्यू। अब देखिए, ये है हमारे पास इक्वेशन, ये इस इक्वेशन को हम सोडियम के लिए लिखे तो क्या होगा, ई वी नोट सोडियम इक्वल्स टू h c / λ माइनस डब्लू नोट, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, क्योंकि वेवलेंथ सेम है, जो प्लैंक कांस्टेंट है वो सेम है, स्पीड ऑफ लाइट बहुत सेम है, तो इसको लिख सकते हैं हम इक्वल्स टू डब्लू नोट। हमें डिफाइन करना है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये फाइंड करना है, तो ये होगा, इसकी वैल्यू हमने फाइंड किया 6.3 इलेक्ट्रोवोल्ट माइनस डब्लू नोट, वर्क फंक्शन दिया हुआ हमें इन इलेक्ट्रोवोल्ट में सोडियम का, वो है, ये हम लिख रहे हैं फॉर सोडियम 2.3 इलेक्ट्रोवोल्ट, तो ये कितना आएगा, इलेक्ट्रोवोल्ट में ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल सोडियम का, इधर आया 4 इलेक्ट्रोवोल्ट, तो इलेक्ट्रोवोल्ट से इलेक्ट्रोवोल्ट कैंसिल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ सोडियम इक्वल्स टू 4 वोल्ट। तो ये था इसका राइट आंसर। अब देखिए, ये क्वेश्चन 2016 में IIT JEE में पूछा गया था NET टाइप में, तो इसका जो आंसर होता वो था आंसर 4 वोल्ट। देखिए किस तरह आया, फिर से एक बार
अब देखिए, हम जानते हैं जो हमारी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, कि मान लीजिए कोई हमारे पास ये कोई मेटल की सरफेस थी, यहाँ से फोटोन आया, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ पर कोलिजन हुआ, उसके बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और इलेक्ट्रॉन वो होती है एच सी अपॉन लेमडा माइनस कितना उस मेटल का वर्क फंक्शन था, ये होती है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम।